काफी दिन लखनऊ में गुजारने के बाद हम पहुंच चुके हैं मुंबई। हम मुंबई के अंधेरी में हैं। अंधेरी में हम कहां पर हैं? हम इस समय हैं मेट्रो स्टेशन के पास, मेट्रो लाइन के पास में सिटी मॉल ये पड़ता है, सिनेपोलिस फन रिपब्लिक है वहां पर, और ये है वीरा देसाई रोड। ये समझिए यहाँ पर हम यशराज स्टूडियो, बालाजी टेलीफिल्म स्टूडियो, यहाँ पर कई सारे स्ट्रगलर्स भी आते रहते हैं, कई सारे लोग अपना ऑडिशन वगैरह देने भी आते रहते होंगे, बहुत से लोग अपने सोर्सेज तलाशने के लिए आते हैं, कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से उनका काम उन्हें मिल जाए फिल्मी दुनिया में, तो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑफिस यहाँ पर हैं और कई अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर रहेंगे। अंधेरी एक बहुत ही मशहूर इलाका है, यहाँ पर जो फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर रहते भी हैं, और पास ही में यहाँ पर वर्सोवा बीच भी है। वर्सोवा बीच के पास में एक इलाका यारी रोड है। यारी रोड में भी काफ़ी स्ट्रगलर्स भी रहते हैं, कुछ फिल्म स्टार्स भी यहाँ पर रहते हैं। हालांकि हमें अंधेरी में ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो हम अंधेरी में छोटा सा हमारा काम था उसको निपटाया और हम फिर आ गए बांद्रा की तरफ। अंधेरी से बांद्रा आने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। अंधेरी से बांद्रा आने के लिए आपको अंधेरी स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और वो आपको बांद्रा पहुंचा देगी। अंधेरी से बांद्रा के बीच में शायद 3 स्टेशन हैं, विलेपाले, सांता क्रूज और खार रोड। इसके बाद में आपका आ जाता है बांद्रा। अगर आप फिल्मी दुनिया के लोगों से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो बांद्रा वेस्ट में है। बांद्रा वेस्ट में ही आपको बड़े बड़े सितारों के मकान भी दिख जाएंगे। और यही बातचीत करते हुए हम पहुंच गए हैं यहाँ पर शाहरुख खान के घर मन्नत पर। शाहरुख खान का जो बंगला है उसका नाम है मन्नत, और यहाँ पर बहुत सारे फैंस आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आकर के यहाँ फोटो खिंचवा करके रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो ये बहुत ही मज़े की बात लोगों के साथ हो जाती है। और ये है बैंड स्टैंड पर। बैंड स्टैंड समंदर का किनारा है, यहाँ पर ऐसे भी लोग आते हैं घूमने के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ लोग वॉक करने भी आते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करने भी आते हैं। पास में ताज होटल भी है और उसके आगे बांद्रा फोर्ट भी है। बैंड स्टैंड पे शाहरुख खान का मकान तो है ही, शाहरुख खान के अलावा सलमान खान का भी मकान बैंड स्टैंड पे ही पड़ता है। इसके अलावा जॉन अब्राहम का भी मकान यहाँ पर पड़ेगा, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर का मकान भी यहाँ पड़ता है, और कई और फिल्मी सितारों का मकान बैंड स्टैंड में पड़ता है। बैंड स्टैंड के पास में ही माउंट मेरी भी है, महबूब स्टूडियो भी है, पाली हिल एरिया भी है। ये सारे एरियाज जो हैं फिल्मी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर फिल्मी दुनिया के लोग रहते हैं, यहाँ पर शूटिंग वगैरह भी होती है, और जो आप कई बार देखते होंगे रील्स में कि कोई सेलिब्रिटी जिम में जा रहा है, जिम से निकल रहा है, तो वो सारे जिम भी यहाँ पर हैं, वो सारे स्टोर भी यहाँ पर हैं जिनको आप इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं। तो ये बहुत ही पॉश लोकेलिटी है। ये बैंड स्टैंड में हम समंदर किनारे खड़े हुए, समंदर बहुत ही यहाँ पर अच्छा लगता है, ठंडी हवाएं समंदर की आती हैं। और समंदर के बारे में एक बार ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं तो आपको फ़ोटो में तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जब पास जाते हैं, पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन समंदर के साथ ऐसा नहीं है, समंदर के पास जब आप जाते हैं तो आपको अलग ही मज़ा आता है। हालांकि नए लोगों के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, लोग देखते हैं पानी ढलान पे है तो वो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और लहरों के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन ये जो है जो शोबाजी होती है इसमें कई बार नुकसान हो जाता है और चोट वगैरह लगने की भी संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इनसे बचें। और दूर से भी आप देखेंगे समंदर आपको सुंदर ही लगेगा, दूर से भी फोटो खींचेंगे तो अच्छा ही आएगा, और अगर अपना रील बना रहे हो तो आप किनारे खड़े होकर के भी बना सकते हैं, डेंजरस जगह पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काई वगैरह होती है, पैर स्लिप कर जाता है और जान चली जाती है, इसलिए अपनी जान को जोखिम में न डालें, आराम से आएँ, आराम से घूमें, घामें, इंजॉय करें, ज़िंदगी इंजॉय करने का नाम है। यही सब बात करते हुए हम आगे बढ़ गए हैं, और आगे बढ़ के हम जो है पहुँच जाएंगे अपने अगले पड़ाव पर। अगले पड़ाव पर आने के लिए हम पहुंचे लोकल के स्टेशन। लोकल के स्टेशन पहुंच के हमने ये ले ली है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन के रास्ते हम आगे बढ़ेंगे। मुंबई में अगर आपको कहीं भी जाना है और आपको टाइम बचाना है और इजीली पहुंचना है तो लोकल ट्रेन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम ये लोकल ट्रेन से आ गए हैं दादर। बांद्रा से दादर की दूरी बहुत कम है, शायद 2-3 स्टेशन ही है, तो हम दादर उतर गए हैं। दादर उतर के हमको चाट पकौड़े खाएंगे, क्योंकि दादर में जो पानी पूरी है बड़ी शानदार मिलती है, चाय बड़ी अच्छी यहाँ मिलती है, वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है, समोसे वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। और हम यहाँ दादर स्टेशन के पास में वेस्ट में उतरेंगे, वेस्ट में हम उतर करके देखेंगे। अगर आपको पुणे जाना है, बस पकड़नी है, तो आप दादर ईस्ट जाइए, और वरना आप दादर वेस्ट में आइए। दादर वेस्ट में अगर आप आएंगे तो आपको समंदर किनारा मिलेगा। आमतौर पर मुंबई की जो वेस्टर्न लाइन है, अगर आप उसमें सफ़र कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो अगर आप ईस्ट साइड में उतरेंगे तो आपको समंदर नहीं मिलेगा, वेस्ट साइड में उतरेंगे तभी आपको समंदर मिलेगा। तो हम यहाँ पर आए हैं, चाट पकौड़ा खाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। दादर मराठी कल्चर का एक बड़ा बाज़ार भी है, यहाँ पर आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं,
यहाँ पर कपड़े बड़े अच्छे मिल जाते हैं, जूते वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, बैग्स अच्छे मिल जाते हैं, घरेलू सामान यहाँ पर आपको अच्छे मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा, अच्छी फील आती है। स्टेशन के पास तो लगेगा कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पर है यार, यहाँ से कैसे निकले, लेकिन जैसे आप स्टेशन क्रॉस करेंगे, स्टेशन का एरिया क्रॉस करेंगे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही अच्छा इलाका है। तो दादर बहुत ही अच्छा इलाका, मुझे तो बहुत पसंद है दादर इलाका। अगर मराठी कल्चर को आपको समझना है तो आपको दादर की गलियों में घूमना पड़ेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अब हमें यहाँ से आगे निकलना है, तो हम फिर आ गए हैं लोकल के स्टेशन पे। लोकल के स्टेशन पे हम आएंगे तो देखिए शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो ऑफिस से वापस जाने वालों की भीड़ आपको नज़र आएगी। जो लोग ऐसे जा रहे हैं कि जो शहर से दूर जा रहे हैं वहाँ पर तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी, और जो फोर्थ साइड में जा रहे हैं चर्च गेट CST साइड में जाएंगे तो उनको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन दूसरी साइड में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं अंधेरी, हमको अंधेरी जाना था, अंधेरी हम आ गए हैं। ये देखिए इस तरह की बस चल रही हैं जो डबल डेकर हैं, फुल AC बसेस अब चल रही हैं, और जो नॉन AC बसेस हैं वो धीरे धीरे मुंबई की सड़कों से हटाई जा रही हैं। तो अगले दिन हमने क्या करा, अगले दिन हम सबसे पहले इस बस के ज़रिए पहुँच गए अंधेरी स्टेशन, अंधेरी ईस्ट हम पहुँचे। वहाँ पर जा करके हमने हल्दीराम का जो रेस्टोरेंट था ट्रेन के अंदर, उसमें हमने खाना वाना खाया, नाश्ता किया, बेसिकली डोसा खाया, चाय पी, और चाय नहीं कॉफ़ी पी। उसके बाद में हमने बांद्रा के लिए अपनी ट्रेन पकड़ ली। लोकल ट्रेन के ज़रिए हम वहाँ पर जाएंगे बांद्रा, क्योंकि बांद्रा में हमें कुछ काम है। तो ये हल्दीराम का ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने बैठ के खाना, ये नहीं है ट्रेन का डब्बा नहीं है, इसके अंदर रेस्टोरेंट है। तो उसका वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर किया है शॉर्ट में शायद, तो आप देखिएगा, शॉर्ट नहीं लॉन्ग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, और हमको बताइएगा आपको वीडियोज़ हमारे कैसे लग रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप देख के बताइएगा। तो हम यहाँ पर जो है बांद्रा के लिए आ गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। ये देखिए आ गई है ट्रेन हमारी, लोकल ट्रेन है ये जाएगी बांद्रा। अंधेरी से बांद्रा जाने के लिए आपको विले पार्ले, सांता क्रूज, खार रोड तीन स्टेशन पड़ते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं बांद्रा। तो हम आ गए हैं पाली हिल एरिया में, हम कुछ काम है बांद्रा में तो हम यहाँ पर आए हैं। ये भी बहुत ही पॉश लोकेलिटी है, बड़े बड़े सितारों का घर है, दिलीप कुमार का घर यहाँ पर पाली हिल में रहा है, इसी के पास में रफ़ी साहब का भी घर है, मोहम्मद रफ़ी साहब का भी घर यहाँ पर है, उसके अलावा बहुत से लोगों का घर यहाँ पर है। यहाँ पर संजय दत्त का भी घर है, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट का भी घर है, और इमरान हाशमी का भी घर है, प्रीति जिंटा ने भी यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा है, और कई सारे दूसरे सितारों का भी यहाँ पर घर है। बांद्रा वेस्ट बहुत ही पॉश एरिया है, काफ़ी महंगा इलाका है यहाँ पर है। यहाँ पर खूबसूरत बने हुए, यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, और ये है पानीपुरी वाला, पानीपुरी इन्होंने बड़ी अच्छी बनाते हैं पानीपुरी। ये नॉर्मली मुंबई में जो पानीपुरी मिलती है उसमें जो छोले होते हैं या जो मटर होती है वो हल्की सी गर्म होती है, क्योंकि वो हल्की सी उसको सेकते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके यहाँ पर ऐसा नहीं मिलता, ये ठंडा ही देते हैं, लेकिन अच्छा लगता है आपको, ये आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्थ इंडियन फील यहाँ पर आएगी। ये है ज़िगज़ैग रोड, ज़िगज़ैग रोड बहुत ही फेमस रोड है बांद्रा में पाली हिल में, और ये देखिए ज़िगज़ैग है, ये जिग जैग करके बना हुआ पूरा रोड है, ये घूमते घामते आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर पैरों में तकलीफ है तो आप यहाँ से ना गुजरें, वही बेहतर। और ये देखिए दीवारों पे इस तरह के मैसेजेस वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। और चलते फिरते हम आ चुके हैं वास्तु पे, वास्तु है रणबीर कपूर का घर, रणबीर कपूर आलिया भट्ट यहीं पर रहते हैं, यहीं पास में उनका एक और अपार्टमेंट भी है जिसको वो बनवा रहे हैं, शायद पूरा हो गया है मालूम नहीं है। इसी लाइन में जो बोर्ड लगा हुआ है, इसी लाइन में आपको जो है मिलेगा वास्तु, और इसी लाइन में आगे आप चलेंगे तो आपको दिलीप कुमार साहब का भी घर आपको मिल जाएगा, और इसी में स्प्रिंग फील्ड अपार्टमेंट भी है जो कि संजय दत्त का घर है, उसके ठीक सामने इमरान हाशमी का भी घर है, वो भी हम आपको भी दिखा देंगे। इस बिल्डिंग में इमरान हाशमी का घर है और इसके ठीक सामने है घर संजय दत्त का। तो इस तरह से ये देखिए जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये है प्रीति जिंटा का घर, प्रीति जिंटा अपने ज़माने की फेमस अभिनेत्री थी, उनका घर यहाँ पर है, अब हो जाएगा, अभी तो वो बनवा ही रहे हैं अपार्टमेंट वाले, और इसी में जो है इमरान हाशमी रहते, इसी बिल्डिंग में देखिए अगल बगल है प्रीति जिंटा और इमरान हाशमी घर, इमरान हाशमी के ठीक सामने जो है घर है संजय दत्त का, संजय दत्त के घर के पास ही में घर है सायरा बानो जी का, सायरा बानो दिलीप कुमार साहब की वाइफ हैं, तो सायरा बानो का यहाँ पर घर मिल जाएगा आपको, यहाँ पर रहती हैं वो। ये दिलीप साहब का पुराना घर है, यहाँ पर अब अपार्टमेंट बन रहा है, पहले यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था ये दिलीप कुमार साहब की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब वो हट गया है, यहाँ पर अपार्टमेंट बन रहा है। तो
ये पूरा पाली हिल का एरिया है, पाली हिल का एरिया हमने आपको दिखाया। तो इस बार मुंबई का सफ़र हमारा इतना ही है, हम मुंबई से जाएंगे गुजरात और गुजरात से हम आपके लिए वीडियोज़ लेके आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।